कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम मियां बाजार हरिजन बस्ती में बच्चा बैंड के मालिक व रेलकर्मी प्रेम शंकर के सिर पर रॉड से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के मां समेत दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मृतक की मां कलावती, पत्नी स्वर्गीय बेचन प्रसाद, दो भाइयों में विधाता व हेमंत पुत्र बेचन प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल, एक लोहे की राड और एक लकड़ी का पटिया बरामद की है। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि पैतृक जमीन के बंटवारे और नौकरी को लेकर मृतक के सगे दोनों भाइयों ने प्रेम शंकर की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि नौकरी और संपत्ति के कम हिस्से को लेकर छोटे भाई विधाता और हेमंत से प्रेम शंकर का लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की शाम में भी तीनों भाइयों में मारपीट हुई, जिसमें विधाता और हेमंत ने मिलकर प्रेम शंकर पर रॉड से सिर पर प्रहार कर लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मां सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खुलासे के दौरान सीओ कोतवाली वीपी सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, पारिवारिक मैटर था, मारे नहीं थे, झगड़ा झगड़ा हो गया, लग गया चोट को, इसी मूर्ति विसर्जन में थे, अचानक झगड़ा सुने हमार धीरे धीरे पर काम हो रहा, हाथ में वो डंडा लगा था, अभी डंडा उठा अभी मारने लगे, हम सब छुपा रहे थे खड़ा होके, हमारे लाल चल गए ना, हम दुनिया सब कुछ बना रहे थे। कल शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम है प्रेम शंकर भारती और बच्चा, ये वहाँ पे बैंड का काम करते थे और साथ में रेलवे में भी कार्यरत थे अपने पिता की जगह संविदा पे, इनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी ज़िला अस्पताल से। उसमें आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनकी पुरानी कसीदगी अपने भाइयों से और माँ से प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर और अन्य कई चीज़ों को लेकर चल रही थी। उसमें इनके भाइयों द्वारा ही इन पर हमलावर होकर सर पे चोट पहुंचाया गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के अंतर्गत सभी नामजद अभियुक्तों को पकड़ा है और पोस्टमार्टम तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रफा दफा नहीं किया गया था, मामले में कार्रवाई की गई थी, मामले में 151 की कार्रवाई, मारपीट की कार्रवाई जिसमें होती है वो की गई थी। इन भाइयों के बीच में कसीदगी का कारण ये था कि इनके पिता जो मृतक थे, जो मरे जब, तो इनको संविदा पे किसी एक बेटे को नौकरी लगनी थी, तो बड़े बेटे को नौकरी मिली थी, जिसमें इनके द्वारा बम्बई में नौकरी ले ली गई थी, जहाँ से ये पिछले 3-4 सालों से अपने परिवार के दबाव में किसी कारणवश यहाँ पे लेकर बैंड चला रहे थे। इस बीच इनके परिवार द्वारा ही बताया गया कि 2-3 चीज़ों को लेकर और कसीदगी बढ़ी, जैसे इनका एक और पुत्र जो है वो पैदा हुए थे कुछ ही महीनों पहले, इसको लेकर कसीदगी बढ़ी। दूसरा, इनके भाइयों से, अपने बड़े भाई से ये अपेक्षा थी कि इनका खर्चा चलाएंगे। तीसरा, इनके यहाँ इनके कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने एक और मकान जो है इनके भाई की तरफ करने का प्रयास किया था, इनके दादा थे जो हाल में मरे थे। इन सब को लेके परिवार के बीच में अक्सर इस प्रकार की कसीदगी रहती थी और कल शराब के नशे के हालत में भाइयों ने इनके सर के ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। इनका आपराधिक इतिहास, इनके द्वारा जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला 151 की कार्रवाई के अलावा, मगर हम और भी जांच कर रहे हैं, अगर कोई आपराधिक इतिहास होगा तो उनको भी इस पर्चों में पढ़ा जाएगा। इनकी मृतक की पत्नी के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध FIR पंजीकृत कराई गई है, जिसमें इनके 2 भाई हैं विधाता और हेमंत, साथ में इनकी माता जी हैं, उनके विरुद्ध भी ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तीनों नामजद अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में और आगे की कार्रवाई की। माता जी, इन दोनों भाइयों, इनके 3 भाई हैं इसके अलावा, एक बताते हैं मृत्युंजय जो मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हैं, वो और ये दोनों भाई, ये चारों लोग एक पुराने मकान में रहा करते थे, जबकि एक मकान में
मृतक अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तो माता इन तीनों भाइयों के साथ रहती थी और इनका इस तरफ झुकाव और जुड़ाव था, उस तरफ नहीं था, और पैसे की और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके ये चीज़ चल रही थी। तो ये भाई तथा माताओं के साथ मिलके इस प्रकार के कृत्य को किया गया है, ऐसा पूरी जांच में निकल गया।